और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां के अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने बघेल सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पर बर्मी कंपोस्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बर्मी कंपोस्ट का उत्पादन आंकड़ा गलत है, बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं घोटाले के आरोप पर सीएम बघेल ने कहा कि गाय के नाम पर करोड़ों रुपए समर्थकों को बांट दिए गए हैं और गाय पतली हो गई है और उनके समर्थक मोटे हो गए हैं। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास में मुद्दा नहीं है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं, हालांकि वे लोग भी खुद बर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं। एक अकलतरा के सेवा सरकारी बैंक में 29 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट सप्लाई नहीं हुआ और उसका अग्रिम भुगतान कर दिया गया। यह हमने एक बैंक में पकड़ा है, ऐसे पूरे प्रदेश के सभी ब्रांचों में हो रहा है और यह बहुत बड़ा वर्मी कंपोस्ट के नाम पर घोटाला हो रहा है। और हम मांग करते हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी के संरक्षण में यह हो रहा है और वो तत्काल इस्तीफा दें। उनको तो घोटाले ही नजर आए, गाय के नाम से करोड़ों रुपया वो अपने साथियों को बांट दिए, गाय दुबली होकर मर गई और उनके जो समर्थक थे वो मोटे हो गए। उसके प्रकरण भी हैं अलग अलग, चाहे वो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो धमदा विधानसभा क्षेत्र, साजा विधानसभा क्षेत्र में हो, बिलासपुर में, लोरमी में हो, कितने जगह इसी प्रकार से गायें मरी।